स्वागत है भाइयों जति सिंह की एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में आप देख रहे हो भाई मारुति की ब्रिजा ZXA प्लस वाला वेरिएंट है। जैसे कि भाई ZXA प्लस वाला वेरिएंट तो एक बार मैंने एक्चुअली कवर कर रखा है अपनी वीडियो में, बट मारुति वालों ने पहले की थोड़ा सा स्कैम करा था कि इसमें स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग हटा दी थी। बट नॉर्मली अब देखोगे तो नॉर्मली अब इनमें भाई ZXA प्लस और ZX प्लस में पहले हटा दी थी, बट वापस से ला दी जिसमें आपको छोटी सी स्मार्ट हाइब्रिड की बैटरी भी जोर से मिल जाती है। बैटरी तो भाई मैं पीछे हल्के आपको बताता हूँ पूरा बैटरी का क्या सीन है। बाकी फ्रंट ग्रिल आप देख सकते हो यहाँ पर बड़ी आपको सुजुकी का लोगो क्रोम है, और यहाँ पर भी फ्रंट में ग्रिल आपको मिल जाती है ऐसी कुछ है। और यहाँ पर DRL वगैरह आपको मिल जाते हैं, पूरा LED सेटअप है, इंडिकेटर वगैरह। बाकी नीचे आपको फॉग लैंप भी मिल जाते हैं जो कि लिटरली काफ़ी बड़ी इनका थ्रो है। बाकी एंड नीचे बम्पर की बात करूँ तो ब्लैक कलर भाई इसमें आपको बम्पर मिल जाता है। एंड पूरी बॉडी आप देखो तो फ्रंट से ड्यूल टोन कलर कर रखा है। बाकी कहते ऐसे कुछ भाई इसमें आपको ग्रैब हैंड्स मिल जाते हैं जो कि भाई पूरे बॉडी कलर है। एंड ओरिविंग की बात करूँ तो ओरिविंग भी भाई इसमें आपको बॉडी कलर ही मिलेंगे। एंड इसके पीछे की लुक की बात करूँ तो यहाँ पर भाई पीछे इसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग मिल जाती है। तो मेनली भाई मारुति वालों ने पहले ZXI और ZXI प्लस में जो स्मार्ट हाइब्रिड की थी वो हटा दी थी मैनुअल में, बट मैनुअल में आप देख सकते हो इन्होंने स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग वापस से ला दी है जो कि ऐसे कुछ है। पीछे आपको ब्रिजा की बैचिंग मिल जाती है, और यहाँ पर इसके LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो कि रात में जलते हुए भाई लिटरली बड़े पैर लगते हैं देखने में। और यहाँ पर इसका वाइपर मिल जाता है, उसका वाइपर और वॉशर डिफॉगर ऊपर मिल जाते हैं। हाउ स्टॉप लैंप इसमें आपको जोर से मिल जाता है। बाकी ऐसे कुछ बैक लुक है। एंड भाई इसमें अगर मैं आपको अलॉय व्हील की बात करूँ तो ऐसा कुछ भाई इसमें अलॉय मिल जाता है 215/18/16 का भाई इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाता है जो कि नो डाउट काफ़ी बढ़िया ड्यूल टोन कलर में पूरा मिल जाता है। ये अपना डायमंड कट वाला जो कि ऐसा कुछ है। बाकी तो भाई ऐसी कुछ लुक है अपनी मारुति की ब्रिजा की जो कि आपने भाई काफ़ी मेरी वीडियोज़ में देख रखे। यहाँ पर बढ़िया आपको रुकेट सेंसर भी मिल जाता है। एंड भाई यहाँ पर इसकी बैटरी मिल जाती है जो कि मारुति वालों ने पहले हटा दी थी, बट वापस से इन्होंने ला दी है बैटरी, जो कि भाई काफ़ी बड़ी चीज़ है। अब इसमें आपको ज़्यादा माइलेज मिल जाती है और ज़्यादा पावर भी आई थिंक मिल जाती है। बाकी ऐसी कुछ भाई डोर में बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है जो कि नो डाउट काफ़ी बड़ी इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाती है। अगर मैं इसमें सेफ्टी रेटिंग की बात करूँ तो 4 स्टार भाई इसमें आपको सेफ्टी रेटिंग भी मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया। बाकी की तो भाई ऐसी कुछ है नॉर्मल सी, इसमें आपको रिमोट वाली की मिल जाती है। मारुति वाले भाई अपनी की के ऊपर कोई काम नहीं करते, बाकी ऐसी कुछ इसमें की आपको मिल जाती है नॉर्मल वही की है जो कि अपने इग्निस वगैरह में आप देख रहे हो, तो सेम बलेनो वगैरह में भी सेम ये की देते हैं। बाकी ना एक बारी गाड़ी के अंदर चल लेता हूँ और गाड़ी का इंटीरियर आपको बताता हूँ। बाकी यहाँ पर भी आपको रिक्वायर्ड सेंसर मिल जाता है अंदर आपको एक्सेस वगैरह करने के लिए। एंड भाई ऐसा कुछ इसमें आपको इंटीरियर मिल जाता है जो कि नॉर्मली मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में दिखाए रखा है जो कि ऐसा कुछ है। यहाँ पर बड़ी आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है कि तो भाई मैंने आपको बता दी जिसके ऊपर ये कोई काम करते हैं। बाकी यहाँ पर ऑटोमेटिक वाइस में आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर भाई इसका गियर नॉब आपको मिल जाता है जो कि अब मैनुअल में वाइस में हाइब्रिड मिलने लग गया जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। बाकी ऐसी कुछ इसमें हैंड ब्रेक मिल जाते हैं। बाकी वायरलेस आपको चार्जर यहाँ पर जोर से मिल जाएगा जो कि ऐसा कुछ है भाई। यहाँ पर 120 वाट का सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पर USB वगैरह भी जोर से आपको मिल जाता है। यहाँ पर AC के सारे कंट्रोल्स हो जाते हैं, यहाँ पर पूरा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम हो जाते हैं, यहाँ पर इसकी MID वगैरह। बाकी मैं इसको ना एक बार ऑन कर लेता हूँ इसके पुश स्टार्ट स्टॉप बटन को क्या सीन है। बाकी ये है भाई पूरा इसका इंटीरियर स्मार्ट हाइब्रिड का आपको यहाँ पर बैचिंग भी नजर आ जाती है। बाकी यहाँ पर लो फ्यूल का बता रहा है, एंड यहाँ पर पूरा इसमें बताते रहेगा डिस्प्ले वगैरह क्या कैसे नहीं। यहाँ पर इसको इसके क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाते हैं सुजुकी का लोगो। बाकी यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन करने का सारा सिस्टम मिल जाता है, कॉल कट करना तो वही है, स्टेयरिंग तो मेरे ख्याल से वही अपना वही बता रखा है इन्होंने, तो ऐसा कुछ है। यहाँ पर आपको पुश स्टॉप बटन बता दिया, यहाँ पर इसके HUD के सारे कंट्रोल, जब गाड़ी भाई स्टार्ट हो जाएगी तो इसको आप कंट्रोल से। बाकी यहाँ पर इसका 360 डिग्री व्यू के लिए इसको अगर होल्ड करके प्रेस करके रखोगे तो वहाँ पर भाई इसका आई थिंक ओपन हो जाएगा, ये अभी हो नहीं रहा आई थिंक, पता नहीं क्या सीन है। बाकी यहाँ पर इसका ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप है। बाकी HUD यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो, बाकी इसकी आप लाइट्स का लेवल अप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये वाला सीन है, एंड यहाँ पर चारों पावर विंडो मिल जाती है। यहाँ पर लॉक डोर अनलॉक कर सकते हो, बाकी यहाँ पर विंडो के लिए कर सकते हो, यहाँ पर इसको मिरर को अंदर से आप फोल्ड गया अनफोल्ड वगैरह भी कर सकते हो। तो मेनली भाई इसमें जब चाबी से आप अनलॉक या लॉक करोगे तब भी भाई अपने आप फोल्ड हो जाते हैं, बाकी ऐसे करोगे तो नॉर्मली भी भाई हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर ऐसे कुछ भाई इसमें आपको ट्यूटर वगैरह भी मिल जाते हैं। यहाँ पर भाई इसका ये भी मिल जाता है, इसका वैनिटी मिरर सॉरी पीछे रियर व्हीकल। बाकी यार बटन की क्वालिटी आप देखना यार कितनी बेकार दे रखी है लिटरली यार, है ना, ये देखना बटन की क्वालिटी बड़ी बेकार चीज़ है। बाकी तो ठीक है, यहाँ पर वैसे डॉगल से दे रखे हैं, ये भी थोड़े ऐसे लगते हैं देसी सा काम है इनका भी, इनकी थोड़ी फिट एंड फिनिश थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी पर स्टिल मारुति वालों ने नहीं करा। एंड ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं, ग्लव बॉक्स का क्या सीन है, तो छोटा सा भाई इसमें आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि बाहर से देखने में काफ़ी बड़ा लगता है बट अंदर से थोड़ा सा छोटा है ये। एंड यहाँ पर इसके ये मिल जाते हैं इसके हज़ार लैम्प। बाकी यहाँ पर AC के इवेंट्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉइन वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर यहाँ पर है। और बाकी आर्म रेस्ट की बात करूँ तो भाई ऐसा आर्म रेस्ट जो कि स्लाइडेबल है आई थिंक ओपन हो जाता है, ये ऐसा कुछ है इसमें ओपन होने का सारा सिस्टम। बाकी तो भाई यहाँ पर बोतल होल्डर आपको मिल जाता है, यहाँ पर इसके स्पीकर वगैरह आपको मिल जाते हैं। और मैं भाई मैं सीट के कंट्रोल आपको एक बारी
बता देता हूँ सीट का क्या सीन है। बाकी यहाँ पर भाई सीट के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, यहाँ से इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, बाकी यहाँ से इसका हाइट कर सकते हो, यहाँ से इसका लंबर सपोर्ट वगैरह भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी मैं इसको यहाँ से इसकी इग्निशन को ऑफ कर देता हूँ, बाकी इसके बोनट को भी एक बार ऑन ही कर दूंगा, फिर आपको बता दूंगा बोनट क्या क्या सीन है। पहले ना इसके मैं एक बार इसका आपको बूट बता देता हूँ, बूट नहीं बताया ना मैंने आपको। बाकी यहाँ पर भी भाई आपको रिक्वेस्ट आंसर आराम से मिल जाता है, लाइट्स वगैरह होगी, कैमरा वगैरह। बाकी बूट स्पेस देखोगे तो काफ़ी बड़ा यार इसमें बूट स्पेस है ना, लिटरली यार बूट स्पेस तो काफ़ी बड़ा दे रखा है यहाँ पर, बड़ी है। ये भी दे रखी है अपनी पार्सल ट्रे वगैरह थोड़ी सी कवर कर। बाकी यहाँ पर स्टेफनी की बात करूँ तो स्टेफनी भाई इसका अगर मैं बताऊँ तो 215 68 16 जो कि अपने स्टील रेम है वहाँ पर आपको अलॉय मिल जाता है। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं वगैरह अच्छी तरीके से कर रखी है, यहाँ पर लाइट्स मिल जाती हैं अपनी, वही अपनी हेलोजन लाइट्स हैं जो कि काफ़ी बड़ी है, बट ठीक है यहाँ पर पार्सल ट्रे अपनी मिल जाती है जो कि ऐसी कुछ है। बाकी मैं बूट की क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी हैवी है इसका वो बूट है, थोड़ा सा आपको जोर से प्रेस करना पड़ेगा। बाकी स्मार्ट हैबिट की बैचिंग मिल जाती है, पीछे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर इसमें आपको इसकी रिफ्लेक्टर वगैरह भी जोर से मिल जाते हैं। बाकी साइड लुक की बात करूँ तो ऐसी कुछ है भाई, इसमें आपको साइड लुक भी जोर से मिल जाती है, और यहाँ पर भी बड़ी तरीके से कवरिंग वगैरह कर रखी है टायर के नीचे पिछली का, देख लेता हूँ एक बारी। हाँ इसमें भी बड़ी तरीके से कर रखी है, ये थोड़ा बढ़िया करते हैं मारुति वाले, क्या बाकी प्रीमियम गाड़ियों में देने लग गए। बाकी लाइट्स तो भाई मैंने आपको बता दी, इसमें DRL वगैरह आपको जोर से मिल जाते हैं। बाकी मैं बोनेट एक बार इसका बता देता हूँ, बोनेट का क्या सीन है, वो भाई कितना भारी है इसका बोनेट, लिटरली बोनेट इसका काफ़ी भारी है। बाकी यहाँ पर आप ये देख सकते हो इसका इंजन वे ऐसा कुछ है जो कि मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है। इंजन पावर की बात करूँ तो 101 BHP और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क भाई इसमें आपको मिल जाता है, एंड यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन वगैरह भी मिल जाती है जो कि इसकी फिट एंड फिनिश आप देखो तो बड़ी तरीके से फिट की गई है। लेकिन इसमें यार ये थोड़ी सी दिक्कत लगती है कि इसमें थोड़ा फिट करके नहीं देते अच्छे से, पर चलो स्टिल ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। बाकी मैं इसको बंद बंद कर देता हूँ एक बार ना, भारी काफ़ी है ये। और यहाँ पर इसके अंदर ये रूफ वगैरह भी मिल जाती है, और सनरूफ तो मैंने आपको बता ही ना इसकी बारी, सनरूफ एक बारी बता देता हूँ इसकी बारी, इसकी ना मैं आपको सनरूफ का क्या सीन है। एंड भाई ऐसी कुछ है भाई इसमें आपको सनरूफ भी जोर से मिल जाती है, छोटी सी सनरूफ है, डोर को पहले बंद करता हूँ। वो भाई डोर की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है ना, इसको ना एक बारी मैं इग्निशन इसको ऑन कर लेता हूँ। बाकी यहाँ से इसको आप अंदर ऑफ वगैरह कर सकते हो, इसको अभी नहीं होगा शायद ही, बाकी ऐसे कुछ ऑफ हो जाता है ये, पर चलो ठीक है ये भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी वन टच चाहिए, बाकी मैं इसमें देखता हूँ ऑटो पिंच है कि नहीं है इसको, अरे नहीं होगा, नहीं होगा आई थिंक ये, अगली तरफ देखता हूँ। हाँ भाई ऑटो पिन चाहिए, चलो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड यहाँ पर भी आपको सन ग्लास होल्डर जोर से मिल जाता है, लाइट्स अपनी वही हेलोजन दे रखी है यार, टाटा वाले यहाँ पर LED देते हैं बट इन्होंने हेलोजन दी। बाकी यहाँ पर वैनिटी मिरर मिरर नहीं मिलेगा, बट इस साइड आपको मिरर जोर से मिल जाता है जो कि ऐसा कुछ है, और जो तो मैंने आपको बता दिया। एंड इसको आप यहाँ से बंद वगैरह भी कर सकते हो, ये तभी ऑफ होगा जब ना ये पूरी सनरूफ इसकी बंद होगी। बाकी ग्रैब हैंड्स की बात करूँ तो ऐसे स्पोर्ट टॉर्चेस में भाई ग्रैब हैंड्स मिल जाते हैं जो कि आराम से ऊपर जाते हैं काफ़ी। एंड भाई अगर इसमें मैं स्टेयरिंग के कंट्रोल की बात करूँ तो स्टेयरिंग को भाई आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक कर सकते हो जो कि भाई काफ़ी बड़ी चीज़ है, स्टेयरिंग को भाई टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक अपनी हाइट को अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी जैसे भाई इसका आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे और इसके HUD वाले बटन को ऐसे दबा के रखोगे तब देखना भाई जादू, लिटरली भाई जो इसकी ऐसे पूरी ऊपर आता है ना पूरा प्रीमियम लगता है देखने में, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। और यहाँ पर इसमें आपको हेलो वगैरह लिखा हुआ है, बाकी ये बताता रहेगा कि गाड़ी में क्या कलर्स हैं, लो फ्यूल वगैरह आपको बताता रहेगा जो कि भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड भाई अगर मैं वही इसके में इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो ऐसा कुछ भाई इसमें आपको 7 इंचेस का भाई इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है, जिसमें अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ इसमें स्मूथ है कि नहीं है तो काफ़ी स्मूथ है, ऐसे कंपेयर टू नेक्सॉन वगैरह से अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो सेम ही लगता है मेरे को, ज़्यादा कुछ मेजर फ़र्क लगता नहीं कि नेक्सॉन का काफ़ी बढ़िया और इसका बेकार है, लिटरली मेरे को ज़्यादा फ़र्क लगता नहीं इसमें और उसमें। बाकी XUV300 का मैं थोड़ा सा देख सकता हूँ, उससे तो काफ़ी अपग्रेड है इसमें, अगर आपको अगर आपने XUV300 वगैरह चलाई है तो उससे थोड़ा सा आपको इसमें अपग्रेड लगेगा। बाकी इसमें क्वालिटी की बात करूँ तो देख सकते हो तो डिले तो नहीं है भाई इसमें, एक ऐसा कि जैसे पहले होता था कि मारुति गाड़ियों में 1-2 सेकंड का इसमें डिले होता था, बाकी ऐसा कुछ नहीं, पूरा अपडेटेड है इसको आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ी तरीके से कर रखा है। बाकी इसको आप डे एंड टाइम के हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हो जो कि भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर पूरी कनेक्टिविटी बताता रहेगा। बाकी यार कैमरे में उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर कि कैमरे में उतना शो नहीं हो रहा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन वगैरह आ रही है ना, थोड़ा हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। बाकी ऐसी कुछ भाई इसमें आपको इंटीरियर की लुक मिल जाती है। अगर मैं इसमें बैक कैमरा की बात करूँ, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भाई आपको मिल जाता है जो कि ऐसा कुछ है,
बाकी अगर मैं इसमें 360 डिग्री कैमरे की बात करूँ तो ऐसा कुछ नॉर्मल सा है। बाकी ऐसे कंपेयर टू नेक्स्ट वन वगैरह से अगर मैं कंपेयर करूँ तो सेम सेम ही लगता है, ज़्यादा कुछ मेजर मेरे को फ़र्क लगता नहीं कि नेक्स्ट वन में काफ़ी बेकार और इसमें काफ़ी अच्छा, तो सेम ही है, दोनों की क्वालिटी मेरे को सेम लगती है। बट उसमें थोड़े से ऑप्शन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, बट इसमें आपको ऑप्शन थोड़े से कम मिलेंगे, तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी तो कैमरे की क्वालिटी मेन होती है, तो बाकी तो कैमरा इसका ठीक है, काफ़ी बढ़िया डिसेंट सा भाई, इसमें आपको कैमरा भी मिल जाता है जो कि ऐसा कुछ है। एंड बाहर से लुक की बात करूँ तो ऐसा कुछ है भाई, इसमें आपको बढ़िया तरीके से पीछे लुक मिल जाती है। बाकी इसमें आपको DRL वगैरह भी फ्रंट में मिल जाते हैं जो कि लिटरली काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं नेक्सॉन वगैरह से कंपेयर करूँ तो नेक्सॉन भाई मेरे को अगर आपको थोड़ी सी लग्जरी चाहिए, थोड़े से प्रीमियम दिखना, तो आप नेक्सॉन की तरफ जोर से स्विच कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको इसमें वॉर्म के नीचे भी कैमरा मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी मैं एक बारी ना पीछे का आपको स्पेस बता देता हूँ, पीछे स्पेस कैसा है। तो ऐसा कुछ भाई इसमें आपको पीछे नॉर्मल सा इसमें आपको स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। ऐसे अंडर थाई स्पोर्ट की बात करूँ तो वो भी काफ़ी बढ़िया, यहाँ पर इसके सनरूफ आपको मिल जाती है। बाकी फ्रंट पीछे से भाई इस गाड़ी का इंटीरियर ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है जो कि काफ़ी बढ़िया। बाकी यहाँ पर मैं AC कवर्स आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर Type A और Type C कनेक्टिविटी भी आपको जोर से मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया, छोटा सा इसमें आपको मिल जाएगा जो कि ज़्यादा फील नहीं होता है। बाकी यहाँ पर आर्म रेस्ट भी भाई आपको जोर से मिल जाता है जो कि ऐसा कुछ है, बाकी ऐसा कुछ है। एंड यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स की बात करूँ तो नॉर्मल से इसमें आपको ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाते हैं जो कि ऐसे कुछ है। और यहाँ पर भाई इसमें आपको थोड़ा सा ये सामान वगैरह लटकाने की 4 KG की लिमिट भी मिल जाती है, अगर आपके पास थैली वगैरह है तो इसको आप यहाँ पर लटका सकते हो। बाकी पीछे आपको 2 स्पीकर भी जोर से मिल जाते हैं जो कि डिसेंट से स्पीकर, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही अच्छे हैं कि डिसेंट से, ऐसे बेकार नहीं बोलना चाहूँगा मैं कि काफ़ी बेकार है, डिसेंट से भाई इसमें आपको स्पीकर भी मिल जाते हैं। तो ये भाई मारुति की ब्रीज़ा स्मार्ट हाइब्रिड जो कि अब वापस से इसका कमबैक हो चुका है जो कि आप ये देख सकते हो। बाकी आप बताना भाई मारुति का आपको कमबैक कैसे लगा, बट मेरे को भाई उन बंदों के लिए दुख हो रहा है जो कि भाई बीच में अगर अगर इन्होंने स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग हटा दी थी ना बीच में, तो उन बंदों के लिए दुख हो रहा है जो कि उन्होंने गाड़ी दी थी जो बिना स्मार्ट हाइब्रिड के वगैरह ली थी। बाकी चलो ऐसी कुछ इसमें आपको पूरा सीन मिल जाता है जो कि आप बताना भाई आपको कैसी लगी वीडियो, और उम्मीद करता हूँ भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी जोर से कर सकते हो। वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।